सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो में स्वागत है। लीनियर इनक्वालिटीज एडिशनल क्वेश्चन बैंक वन, क्वेश्चन नंबर वन पर बात करते हैं। आपके सामने कुछ इनक्वालिटीज दे रखी है, इसको सोल्व करके ग्राफिक ड्रा करके इसका सॉल्यूशन एरिया फाउंड करते हैं, फिर इसके कॉर्नर पॉइंट जो है देखते हैं क्या क्या आते हैं। अगर ऑन सॉल्विंग द इनक्वालिटीज, फर्स्ट इनक्वालिटीज आपको दे रखी है 2x + 5y ≤ 20, और इसके अकॉर्डिंग इसकी जो इक्वेशन बनेगी वह बनेगी 2x + 5y = 20। इसको सेटिस्फाइड करने वाले एक्सिस पर जो पॉइंट है, एक बार वाई को जीरो ले लेता हूँ तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10 0, एक्स की वैल्यू 10 आ जाएगी, पॉइंट आ जाएगा 10 0, वाई जीरो है द 10 2 20 आ जाएगा, और एक बार एक्स को जीरो ले लेता हूँ तो वाई की वैल्यू ले लेता हूँ 4, तो 4 5 20 आ जाएगा इस तरह से, मतलब 4 5 तो वाई की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 4 आ जाएगी। इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए हमने टू पॉइंट ले लिए, एक तो 10 0 और एक 0 4। इसी तरह से सेकंड जो इनक्वालिटीज आपको दे रखी है 3x + 2y ≤ 12, इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे सामने जो इक्वेशन आती है, ये तो हमारी फर्स्ट लाइन की जो है सॉल्यूशन पॉइंट होगी। अब जो सेकंड लाइन जो बनती है वो बनती है 3x + 2y = 12 के, जिसको सेटिस्फाई करने के लिए x की वैल्यू 4 ले लेते हैं तो y की वैल्यू 0, क्योंकि 4 3 12 आ जाएगा, और जब x को 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 6 ले लेते हैं, 6 2 12 आ जाएगा। इस तरह से 4 0 और 0 6 जो है सेकंड इनक्वालिटी को सेटिस्फाइड करने वाले जो हैं हमारे पॉइंट्स आ जाते हैं। अब आगे जो है दो इनक्वालिटीज आपको दे रखी है x > 0, तो इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन जो बन जाएगी x = 0 बन जाएगी, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन आपको दे रखी है y > 0, और इसके अकॉर्डिंग आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी y = 0। ये आपको इनक्वालिटीज दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपने इक्वेशन फाइंड कर ली है, ठीक है। तो अब हम इन लाइन्स को जो है ग्राफ पे ड्रा करते हैं और फिर देखते हैं आगे कैसे इसका सोल्यूशन हम निकालते हैं। इस तरह से हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है, 1 to 10 तक हमने पॉइंट जो है ग्राफ पे एक्स और वाई एक्सिस पे ले लिए हैं, ठीक है। अब सबसे पहली लाइन जो है हम देखते हैं 2x + 5y = 20, बॉक्स में जो आपको दिख रहा है इसको सेटिस्फाइड करने वाले जो पॉइंट्स है 10 0 और 0 4, तो ये तो 10 0 आ जाएगा, 10 0 और 0 4, इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास आउट होगी वो फर्स्ट इक्वेशन होगी 2x + 5y = 20। तो इस तरह से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर लाइन वन को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास आती है 2x + 5y = 20, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, और इस लाइन को हमने आसानी से ड्रा कर दी है। जो सेकेंड लाइन है उसके जो पॉइंट हम देखते हैं ये देखा 4 0 और 0 6, तो ये तो 4 0 आपके सामने आएगा, 4 0 और ये 0 6, इन दोनों को मिलाकर मैं लाइन 2 को क्या कर लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस तरह से लाइन 2 को हमने ड्रा कर लिया है 0.40 और 0.6 से मिलाकर, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को मैं लिख लेता हूँ क्योंकि इन्हीं से हमारा सॉल्यूशन आएगा। ये हमारा है 10 0 पॉइंट, ये हमारा है 0 7 पॉइंट, ये है 0 4 0 4, और ये है हमारा 4 0, ठीक है, ये 0 4 पॉइंट है। इस तरह से इजीली आप जो है ग्राफ को ड्रा कर सकते हो, और ये जो है हमारी लाइन है, ये लाइन है, ठीक है, ये हमारी लाइन है। अब आगे देखो, आप ये कह रहा है कि जब इनक्वालिटीज को सेटिस्फाइड करने वाला जो एरिया है वो सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन सा एरिया है। तो देखिए आप, हमने देखा कि फर्स्ट लाइन के लिए ये कह रहा है कि ओरिजिन पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। अब देखो इसमें ओरिजिन पॉइंट हमने रख दिया और लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो इसको लाइन वन के लिए, लाइन वन के लिए जो एरिया आएगा वो नीचे की साइड में आएगा, ओरिजिन पॉइंट को सेटिस्फाइड करता हुआ एरिया आएगा, और इसको भी ओरिजिन पॉइंट क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, 0 < or = 12, मतलब 0 < 12 है ऑलरेडी, तो इसका मतलब ये लाइन भी ओरिजिन पॉइंट के साइड में झुकेगी और इसका सॉल्यूशन एरिया भी जो है वो ओरिजिन पॉइंट की साइड में आएगा। और ये जो है x > or = 0 और y > or = 0, इसका मतलब ये भी हमारे सामने इस साइड में एरिया आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो कॉमन एरिया जो आता है हमारे पास, कॉमन सॉल्यूशन एरिया, वो ये आता है हमारा, ठीक है। ये एरिया ऐसा है, ये शेडेड एरिया जो है, ये जितने भी हमें लाइन दे रखी है
इनकी जो इनक्वालिटीज़ हैं उन सबका कॉमन एरिया हमारे पास आ जाता है। कॉमन एरिया आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि कॉमन एरिया कौन सा आएगा। तो हमारा जो सॉल्यूशन एरिया आएगा, इसको मैं एक पॉइंट दे देता हूँ, हमारा जो सॉल्यूशन एरिया आएगा वो आ जाएगा ओ ए बी और सी। अब देखो इसमें पॉइंट ओ ओ जो है ओ, ये तो हमारे सामने ऑलरेडी है, ओरिजिन पॉइंट है ओ, ठीक है। ये हमारा ओ जो है जीरो और जीरो पॉइंट आ जाएगा, कॉर्नर पॉइंट, ये बाउंडेड एरिया आ जाएगा, ये ही हमारा सॉल्यूशन एरिया है। और इसके जो कॉर्नर पॉइंट है वही हमारे इसके क्या आएंगे, सॉल्यूशन आएंगे। ए जो है ये आपके पास आया 40 और सी जो है आपके पास आया 04, और हमारे पास पॉइंट बी नहीं है। पॉइंट बी जो है लाइन वन और लाइन टू का इंटरसेक्ट पॉइंट है, ये हमको निकालना है। पॉइंट बी हम कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए आओ हम देखते हैं कि कैसे हम इनका इंटरसेक्ट पॉइंट निकालते हैं। इसका मैं इजी सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लिखोगे 2x प्लस 5y इक्वल 20। आपने फर्स्ट लाइन की इक्वेशन जो है वो लिख ली है। इसके बाद आप लिखते हो सेकंड लाइन की इक्वेशन 3x प्लस 2y। जो 20 उस साइड में है ना, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले के आता हूँ तो माइनस का हो जाता है, और जब मैं इसको 12 को इस साइड में लेके आता हूँ तो ये माइनस का हो जाता है, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन थी इसमें आपने 20 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके तो माइनस का 20 हो जाएगा इक्वल 0 आ जाएगा, और 12 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके तो माइनस का 12 हो जाएगा इक्वल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो इनका इंटरसेक्ट पॉइंट हम एक ही लाइन में कैसे निकालते हैं। फर्स्ट वेरिएबल है एक्स, तो एक्स अपोन, सेकेंड वेरिएबल है वाई, वाई अपोन, और जो थर्ड वेरिएबल कोई है नहीं इसलिए कॉन्स्टेंट वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। y के आगे हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए हम माइनस लगाएंगे। अब हम क्या करते हैं, x को हटा देते हैं, x के अकॉर्डिंग फाइंड करना है तो x को हटा देते हैं। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, 5 को माइनस 12 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस 60, और 2 को माइनस 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 40 आ जाएगा। बट यहाँ पर इसका साइन चेंज होता है, क्या होता है, चेंज होता है। देखो दोबारा देखो, x को हमने जो है हटा दिया है, x का अकॉर्डिंग हमने जब x के नीचे की वैल्यू फाइंड करनी है तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस 60 आ जाएगा, माइनस 60, और इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 40, और माइनस साइन है तो इसको हम अपोजिट साइन में लिखेंगे, माइनस है तो क्या लिखेंगे, प्लस, सेकंड के लिए। इसी तरह से जब y के नीचे की वैल्यू फाइंड करते हैं तो y को हम छुपा लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई करूंगा 12 दुनी 24, माइनस का 24 आया, माइनस का 24, क्रॉस मल्टीप्लाई ये माइनस ये, और इसका जब मल्टीप्लाई करूँगा y को तो छुपा लिया, बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस 60, माइनस 60 का साइन चेंज करेंगे, सेकंड वैल्यू का जो है साइन चेंज कर देते हैं तो प्लस 60 आ जाएगा। अब लास्ट वैल्यू को हम छुपा लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई करूँगा 2 2 जा 4, और ये 5 3 जा 15, लेकिन इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस 15 आ जाएगा। तो हमने देखा ये एक्स अपोन माइनस 20 आ जाता है, y अपोन माइनस y अपोन जो है 36 आ जाता है, 36, क्योंकि 60 में से 24 को माइनस करूँगा तो 36 आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का 11, ठीक है। अब ये x और y के वेरिएबल्स के जो नीचे है इसको अलग अलग कॉन्स्टेंट वैल्यू के इक्वल ले लेते हैं, तो x अपोन माइनस 20 इक्वल हो जाएगा 1 अपोन माइनस 11 के, और माइनस वाई अपॉन 36 इक्वल हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 11 के, तो यहाँ पर माइनस से माइनस का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 20 अपॉन 11, और इसी तरह से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 36 अपॉन 11। तो जो इसका इंटरसेक्ट पॉइंट बी जो आता है हमारे पास वो आ जाता है 20 अपॉन 11 एंड 36 अपॉन 11। तो यही हमारे कॉर्नर पॉइंट आ जाएंगे, इस बाउंडेड एरिया के क्या जाएंगे, सॉल्यूशन आ जाएंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि ये एक ऐसी वैल्यू है जो देखने में अजीब सी लग रही है। इसका एक और मेथड है, यदि आप ऑप्शन को रीड करना अच्छे से समझ जाते हो तो आप इनमें से जो ऑप्शन में वैल्यू दे रखी है इनमें से ये वैल्यू इसमें रख के देखोगे आप, 20 अपॉन 11 और 36 अपॉन 11। जिन स्टूडेंट्स को ये मेथड समझ में नहीं आया है या जिनके कन्फ्यूजन है वो एक मेथड और यूज़ में ले सकते हैं। ये ऑप्शन बी की जितनी भी वैल्यू है वो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करके हम देखते हैं। देखो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को मैं सेटिस्फाइड कराता हूँ, 2x प्लस 5y इक्वल दे रखा 20। ऑप्शन से मैंने वैल्यू ली, x की वैल्यू मैंने 20 रखी 20 अपॉन 11, और y की वैल्यू मैंने 36 अपॉन 11 रखी, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो 20 दूनी 40 बटे 11 आया, और यह आया 36 पंजे 180 बटे 11 आया,
और जब मैंने इसको सोल्व किया तो ये आया 180 में मैंने 40 को प्लस किया तो 220 अपॉन 11 आएगा, और जब इसको मैं सोल्व करूँगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाती है, 20 आ जाती है। तो मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आपको इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे बढ़िया तो कोई बात नहीं। इस मेथड की आप प्रैक्टिस करो तो आप जल्दी से निकाल सकते हो, कोई नो डाउट। लेकिन यदि आपको ये मेथड नहीं आता तो क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। आपको सेकंड मेथड मैं बता दूं कि जो ये इंटरसेक्ट पॉइंट है, इनका इंटरसेक्ट पॉइंट, ये पॉइंट दोनों लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन को इसने क्या कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया है। अब सेकंड लाइन की इक्वेशन को हम और चेक करते हैं। सेकंड लाइन की इक्वेशन जो है ये देखा 3x + 2y = 12। तो यहाँ पर x की वैल्यू मैं कितनी रखता हूँ, 20 अपॉन 11। y की वैल्यू मैं क्या रखता हूँ, 36 अपॉन 11। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये आ जाता है 60 अपॉन 11। 30 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 अपॉन 11, और यह आ जाता है 72 अपॉन 11। और जब मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो ये हमारे पास आ जाता है 132 अपॉन 11। और 132 में 11 से मैं डिवाइड करता हूँ तो 11 एक बार आ जाएगा, मतलब 12 आ जाएगा हमारे पास। और ये इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, 12 आ रही है। तो इसलिए ये जो पॉइंट है 20 अपॉन 11, 36 अपॉन 11 इंटरसेक्ट पॉइंट है दोनों लाइनों का, तो ये पॉइंट्स दोनों लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो आपको यदि इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने आते हैं बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं आते तो भी आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आपको सेकंड मेथड से ऑप्शन से वैल्यू को इक्वेशन में रखकर सेटिस्फाइड करके देखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये चारों के चारों जो सॉल्यूशन हमारे सामने आए, ये इनके कॉर्नर पॉइंट है, ये इनके सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन एरिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो हमने देखा कि ऑप्शन ए इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यही आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए मैं एक वीडियो और अपलोड करूँगा, लगातार आप वीडियो को देखते रहें। कोई भी कन्फ्यूजन आपको है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखना, लगातार वीडियो को देखते रहना, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। यदि आपको वीडियो बेनिफिशियल लग रही है तो सभी स्टूडेंट्स को अगेन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।